आज मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामसुंदर प्रसाद के नेतृत्व में बेवर की कई दुकानों की चेकिंग की गई। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि मिलावट का खेल जारी है, क्योंकि त्योहार आने वाले हैं, दुकानदार अपनी करतूतों से बास नहीं आ रहे हैं। इसी को संज्ञान में लेकर मुख्य खाद्य अधिकारी ने छापेमारी की। उसी क्रम में आज बेवर में चेकिंग अभियान चलाया गया। छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बंदी होने के बावजूद भी दुकानें खुली थी और दुकानदार अपनी दुकानों का शटर डालकर भाग रहे थे। वहीं पुराना बाजार स्थित एक दुकान पर छापा मारा। मुख्य खाद्य अधिकारी ने दुकान का मुआयना किया और लाइसेंस देखा, और जब मुख्य खाद्य अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि नोटिस दिया है और अपनी सरकारी फीस जमा कर लाइसेंस जारी करा ली। थोड़ी बहुत कमियां मिली है, लाइसेंस ठीक पाया गया है और यह क्रम आगे चलता रहेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ जयदीप मौर्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी और डॉक्टर सरोज कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी आदि लोग मौजूद रहे। चेकिंग करने आए थे। अच्छा अच्छा। लाइसेंस पूछ रहे, लाइसेंस है या नहीं है। तो मैंने उनको सब दिखा दिया। अच्छा, लाइसेंस है आपके पास? हाँ, लाइसेंस है। अच्छा अच्छा, और कोई बात कही इन्होंने? नहीं, और कोई बात नहीं। ठीक है। दुकान कहाँ पर है ये? बाहर। दुकान कहाँ पर है? पुरानी गल्ला मंडी मुर्गा है शायद। दुकान नमकीन है वहाँ शायद, सड़क पर है उसका पंजीकरण है इसके पास। कमी क्या पाई सर इसमें आपने? कमी अभी नहीं, ये पॉइंट देखा गया था कि कुछ विशेष चीज़ तो नहीं नया, चूँकि अंदर है जी, तो जो चीज़ देखा है उस तरह कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं। यहाँ की रेगुलेशन से पंजीकरण लाइसेंस नहीं है जी जी जी, इसको नोटिस दी गई कि करवा ले। ओके। बड़ा तो दिख नहीं रहा है जी जी, फिर भी अपना रेगुलेशन गवर्नमेंट का फीस जमा करे, लाइसेंस करवा ले। ओके सर, थैंक यू सर।